आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात करने का वक्त है बग्गा साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और आपने सुबह सुबह हमारे निमंत्रण को आखिरी मिनटों में स्वीकार किया, थैंक यू सो मच सर। और बुलाने की वजह भी खास थी, जब इतना बड़ा एक्शन हुआ है आरबीआई की तरफ से कि रूपी ट्रेड सेटलमेंट होगा, पहले तो ये समझाएं सर कि आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है कि हमारे रुपए में ही हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सेटलमेंट हो, इसके पीछे सबसे बड़ा पर्पज ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है? ये अनिल जी, 24 फरवरी का जो एक्शन हुआ रशिया और यूक्रेन का और जो सैंक्शंस लगाए गए, वो मेन पर्पस है। अब इसमें ये सोच के रखिए कि एक विकल्प दिया है आरबीआई ने, ये नहीं है कि आपकी डॉलर की ट्रेड या पाउंड की ट्रेड या यूरो की ट्रेड अब रुपी में तब्दील हो जाएगी। अगर आप चाहें, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अगर सहमति है, तो रुपए का एक विकल्प है। और ये होता था अनिल जी, एक एशियन क्लियरिंग यूनियन होता था हमारा, और जब ईरान और इराक पे सैंक्शंस भी थे तब हम ये कर सकते थे। एक पब्लिक सेक्टर बैंक को डेजिग्नेट किया जाता था, आई थिंक यूनियन बैंक था, और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा भी दे अमेरिका तो कोई बड़ी बात नहीं है, और रुपए में हम क्लियरिंग कर लेते थे। ये बहुत अच्छा एक विकल्प आरबीआई ने कल निकाला। इसमें अच्छाई क्या है? अगर आपको रशिया से ट्रेड करना, आप डॉलर में ना उनको पेमेंट कर सकते हैं ना उनसे पेमेंट ले सकते हैं। रूबल बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से गिरता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आसानी हो गई इंडियन इंपोर्टर्स को जो तेल खरीद रहे हैं, कि वो रुपए में पेमेंट कर सकते हैं रशियन बैंक्स की। रशियन बैंक्स खोलेंगे रुपए का अकाउंट, जो वॉस्ट्रो कहते हैं, ये लैटिन नाम होते हैं। वॉस्ट्रो मतलब जो ये अंदर आ रहा है, नॉस्ट्रो होता है डॉलर अकाउंट। तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है बेसिकली, जो बाहर के देश भारतीय बैंक्स में खोलेंगे और रुपए में वो बैलेंस रखेंगे। अगर उनका बैलेंस एक्सेस है, वो भारत के गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको कुछ रिटर्न मिल सके। और देश के लेवल पे, जैसे रशिया का गैस्प्रोम बैंक हो गया या सबर बैंक हो गया, एक बैंक खोल लेगा देश के लेवल पे रशिया का, भारतीय किसी बड़े बैंक के साथ अकाउंट, उसमें आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफसेट होते रहेंगे। भाई किसी ने उनको कंज्यूमर आइटम्स भेजे, उसके सामने तेल आया, तो सरकार एक बैलेंस शीट लेवल पे उसको ऑफसेट कर पाएगी और नेट पेमेंट होगी। तो ये बहुत ही सहूलियत हो जाएगी इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को। इसमें अब पोटेंशियल क्या है? एक सारे सार्क के देश, भूटान और नेपाल के साथ तो है हमारा रुपी क्लियरिंग, बट बाकी देशों के साथ कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका के देश, अब जैसे वेनेजुएला के साथ अगर आपको करना है, क्यूबा के साथ करना है, कुछ आप नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगे हुए हैं, आप उनके साथ कल ट्रेड हो सकती है रुपए में। अफ्रीकन कंट्रीज जिनके पास डॉलर रिजर्व्स नहीं है, अब जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका को हमने क्रेडिट लाइन दिया अनिल जी, अब उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास तेल नहीं है। इंडियन ऑयल बैठा है उधर श्रीलंका में, अगर श्रीलंका से उनके रुपए ले लें आज के मार्केट लेवल पे, वो जाके भारतीय रुपए खरीद के हमारे किसी स्टेट बैंक में डाल देंगे, उसके सामने आईओसी उनको तेल दे देगा, तो डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है श्रीलंका की वो हट जाएगी। और जो आईएमएफ ने गर्दन पकड़ी हुई है श्रीलंका की, तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और भारत, ये चाइना ने किया है बहुत पहले से, बट चाइना को लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत और चीजें आती हैं साथ में। भारत को वो जानते हैं कि सच्चा दोस्त है, वो जिस तरह से हमने श्रीलंका की मदद की है वैसे ही हम करेंगे। तो ये रशिया के साथ ट्रेड, श्रीलंका जैसे केस में ट्रेड, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, बहुत बेनिफिट्स आएंगे। यही है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी इसमें तैयार होना चाहिए। आरबीआई ने तो कह दिया, और आरबीआई तो बहुत सक्षम है, वो एकदम कर देंगे, बट जो ड्यूटी ड्रॉबैक आते हैं, जो बेनिफिट्स आते हैं, जो सब्सिडीज आते हैं, जो जीएसटी का बेनिफिट आता है, ये सब भी पूरा आपका फाइनेंशियल जो एनवायरमेंट है इसको बदलना पड़ेगा, कि ये नए तरीके आ गए हैं, नहीं तो ये पकड़े जाएंगे एक्सपोर्टर इंपोर्टर कल को जब अकाउंट्स खुलेंगे या स्क्रूटनी में आएगा या कोई जीएसटी वाला पहुंच जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार सारे, और आरबीआई का अगर आप कल 3 पेज का सर्कुलर पढ़ें, उसमें उन्होंने बहुत सारे फेमा से लेकर एक्सपोर्ट का जो
ऑमनिबस मेमो है, इंपोर्ट का जो मेमो है, सेटलमेंट का है, बहुत सारे लॉज हैं जिनको उन्होंने रेफर किया है। तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी को ये समझ आ जाए कि ये करना है देश के लिए। 6 महीने के बाद आया, बट बहुत अच्छा आया और भारत को स्ट्रांग बनाता है, हमारे रुपए को भी स्ट्रांग बनाता है। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, रुपए को स्ट्रांग बनाने के लिए और बायलेटरल ट्रेड में रुपए का ज्यादा से ज्यादा ट्रेड पार्टिसिपेशन हो डॉलर की।